हेलो, मैं विनय निर्भीक फ्रेंड एक बार फिर से आप लोग के सामने आ गया हूँ नए अपडेट लेकर के। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि कल आप लोग जान रहे हैं कि आरआरसी गुवाहाटी का साइट दो दो बार अपडेट हुआ है, दो के तीन बार अपडेट हुआ है। पहले आपका ब्रिज हेल्पर का आया लिस्ट, फिर असिस्टेंट ट्रैक मशीन का आया, फिर उसके बाद क्या हुआ, शाम को दो दो पोस्ट का एक साथ अलॉटमेंट हुआ एक ही पीडीएफ में, मेडिकल हेल्पर और हॉस्पिटल अटेंडेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, जो रेलवे का सबसे अच्छा पोस्ट माना जाता है ग्रुप डी कैटेगरी में, और इसका कट ऑफ भी जानते हैं आप लोग हाई जाता है, तो जो लोग पाए हैं ये पोस्ट बहुत लकी हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत लकी हैं, क्योंकि इससे अच्छा पोस्ट ग्रुप डी में कोई नहीं होता है। आराम की नौकरी होती है, एक्स्ट्रा कमाई होती है, सब कोई जानता है, इसमें कोई शक नहीं है, और पैसा बहुत ज़्यादा इसमें बनता है। आपका मंथली कम से कम 50-55 हज़ार आसानी से बन जाता है, तो सबसे अच्छी पोस्ट यही होती है फ्रेंड्स। जो लोग पा गए हैं वो बहुत बधाई के पात्र हैं। और फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि बाकी पोस्ट कब अलॉट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप थंबनेल देख रहे हैं, कल ट्रैकमैन के बाद ट्रैक मशीन, हेल्पर, ब्रिज, हॉस्पिटल अटेंडेंट और मेडिकल अटेंडेंट का भी पोस्ट एंड डिवीज़न अलॉट हो गया। बाकी पोस्ट कब, पैनल टू कब तक, तो सारी बातें हम बात करेंगे फ्रेंड्स। तो कल आप जान रहे हैं फ्रेंड्स कि हेल्पर ब्रिज का 97 पोस्ट अलॉट हुआ, यानी 97 पोस्ट, और उसके बाद ट्रैक मशीन का 25 पोस्ट अलॉट हुआ है, और फिर मेडिकल अटेंडेंट और सॉरी हॉस्पिटल अटेंडेंट और मेडिकल हेल्पर, हेल्पर अटेंडेंट लिया गया सर, सॉरी फ्रेंड्स, मेडिकल हेल्पर होगा वो। तो हॉस्पिटल अटेंडेंट और मेडिकल हेल्पर का टोटल मिला के 25 पोस्ट अलाट हुआ है, जबकि दोनों पोस्ट मिला के 47 पोस्ट था। तो अभी इसमें कुछ पोस्ट बचे हुए हैं, क्योंकि अभी C1 B2 वालों का रिजल्ट नहीं आया है, तो उनके लिए कुछ पोस्ट बचाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये पोस्ट बहुत ही अच्छा होता है, तो इनका क्या हुआ है, इनमें जो अलाटमेंट हुआ है, तो मेरे ख्याल से इसका कट ऑफ जो है 95+ गया है, अगर UR की बात करें तो। अगर इससे कम कोई बोलता है तो आप विश्वास ना करें फ्रेंड्स, अगर बोलता है तो उसे स्क्रीनशॉट ज़रूर मांगें, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसे फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था फिर भी ये नहीं मिल पाया, और उन्हें क्या हुआ कि ट्रैक मैन मिल गया, अदर पोस्ट मिल गया। तो अगर कोई इससे कम बोलता है तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ज़रूर मांगें कि कौन है ऐसा जिसको 90 से कम पे मिल गया है। ठीक है, 95 नहीं तो 90 मान के चलते, 90 से कम तो नहीं जा सकता है इसका कट ऑफ कभी भी, क्योंकि सबसे अच्छा पोस्ट माना जाता है और मैक्सिमम लोग इसे चूज़ करते हैं। जो एक्सपीरियंस वाले हैं, जो पुराने ग्रुप डी कैंडिडेट हैं, पहला प्रेफरेंस इसी को देते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है अगर कोई अच्छा पोस्ट, तो होता है पॉइंट्स मैन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर 90 से कम वाला कोई मिलता है तो आप लोग एक बार उनसे स्क्रीनशॉट ज़रूर मांगें मार्क्स का, ताकि क्लेरिफिकेशन हो सके सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है इससे कम इसका कट ऑफ नहीं जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा ये सब बात। अब फिर बच जाता है फ्रेंड्स असिस्टेंट पॉइंट्स मैन, गेट मैन, सिग्नल हेल्पर, टेलीकम्युनिकेशन हेल्पर, ट्रेन लाइटिंग, इन सब का कब आएगा। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, आज मैक्सिमम चांसेज है कि सभी के अपलोड हो जाएं। ठीक है, अगर आज सभी के अपलोड नहीं होते हैं तो गेट मैन, पॉइंट्स मैन का तो आज आ ही जाना चाहिए हर हाल में। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी पोस्ट का भी 2 से 3 दिन में अलॉट हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम आप मान सकते हैं कि मंडे या ट्यूसडे तक, यानी 1 अक्टूबर तक। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 अक्टूबर तक, क्योंकि मैं बता दूँ आज सैटरडे कल संडे, तो सैटरडे संडे का इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप लोग के मन में होगा सैटरडे ऑफ रहता है, संडे ऑफ रहता है, ऑफिस बंद रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा रेलवे के जितने भी रिजल्ट आए हैं मैक्सिमम सैटरडे या संडे को ही आए हैं, क्योंकि ऑनलाइन काम पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो ऑफलाइन काम हम ऑफिस में करते हैं, तो ऑफिस में कई तरीके की ड्यूटी होती है, कई कैटेगरी होता है, तो जो लोग ऑफिस में दूसरा वर्क करते हैं उनका छुट्टी रहता है, ये जो ऑनलाइन काम करते हैं, जो अपडेट देते हैं, इनका कोई छुट्टी नहीं रहता है, सैटरडे संडे को भी अपना वर्क करते हैं। आप SSC का भी रिजल्ट देख सकते हैं, मैक्सिमम सैटरडे संडे को ही अलॉट होता है, सॉरी डिक्लेयर होता है, तो सैटरडे संडे का इफेक्ट इसमें नहीं पड़ेगा अगर कोई गेस्ट छुट्टी नहीं होता है तो। तो फ्रेंड्स मैक्सिमम चांसेस है कि आज या कल में सारे पोस्ट अलॉट हो जाएं। ठीक है, मैक्सिमम मैं मान के चलता हूँ कि ट्यूसडे तक, लेटेस्ट एकदम एकदम लास्ट ट्यूसडे यानी 1 अक्टूबर तक सारे पोस्ट और डिवीज़न अलॉट हो जाएंगे 2036 कैंडिडेट्स का। फिर इसके बाद अब बात करते हैं फिर पैनल टू तक कब तक। तो जब अगर 1 अक्टूबर के लोग फ्री हो जाते हैं, तो उम्मीद करके चलिए 8 अक्टूबर से अगर RRC बंद होता है, पूरा ऑफिस बंद होता है दशहरे को लेकर के, तो उससे पहले भी पैनल टू देख सकते हैं। वैसे मैं आप लोग को मैक्सिमम डेट बता ही चुका हूँ 15 अक्टूबर। ठीक है फ्रेंड्स, कि दशहरा के बाद, वैसे मैक्सिमम चांस ये है कि RRC आप देख रहे हैं बहुत फास्ट काम कर रहा है, तो 15 अक्टूबर के 8 अक्टूबर के ही पहले पैनल टू भी आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को ये मेडिकल हेल्पर या हॉस्पिटल अटेंडेंट मिला है, वो अपना मार्क्स कैटेगरी जरूर शेयर कर, प्रेफरेंस जरूर शेयर कर, ताकि अंदाजा लग सके कट ऑफ कितना है, क्योंकि मेरे ख्याल से तो 90 से कम इसका कट ऑफ जाना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स मुझे इतना अपडेट देना था, थैंक यू।